आरपीडी एक्ट 2016 पर जारी चर्चा के पार्ट 28 में आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू पार्ट 28 ऑफ ऑनगोइंग डिस्कशन ऑन आरपीडी एक्ट 2016। कल हमने सेक्शन 34 को समझा था, अब जो आरक्षण की पूरी स्कीम है उससे संबंधित प्रावधान था। अब उससे संबंधित नियम, जैसे आपने देखा कि 4% का आरक्षण प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को कम से कम देना होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 1-1% 4 श्रेणी की दिव्यांगताओं के बीच होगा। सवाल यह है कि इस स्कीम को किस तरह, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के क्या नियम होंगे, इस आरक्षण को के कार्यान्वयन के लिए क्या नियम होंगे, कैसे संगणना होगी, कंप्यूटेशन होगा, कैसे जो विज्ञापन में क्या क्या चीजें मेंशन होना जरूरी है आदि। तो ये पहले तो इन जो नियम बने थे ओरिजिनली उसमें कुछ भी नहीं था, ये हमने डिटेल्ड नियम डलवाया है, ये हमारे सुझाव का एज इट इज लगभग माना गया है। और ये अध्याय 5 है नियमों का और इसका हेडिंग है बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिक्कतियां। रूल नियम 11 है। नियम 11 में सबसे पहली बात बताइए कि किस तरह से रिक्तियों की संगणना कंप्यूटेशन होगा। इसके अनुसार ये कहा गया है कि रिक्तियों का की संगणना अर्थात कंप्यूटेशन ऑफ वैकेंसीज के प्रयोग के उद्देश्य से पदों के प्रत्येक समूह में, आप जानते हैं 4 समूह हैं हमारे यहाँ, पदों की श्रेणियां 4 में, अब तो 4th समूह लगभग समाप्त हो गया है केंद्र सरकार में। अब ग्रुप ए बी और सी हैं, 3 समूह ही हैं। रेलवे में अभी भी 4th श्रेणी है। तो प्रत्येक समूह की पदों के लिए प्रत्येक समूह में काडर संख्या में कुल रिक्तियों के 4% को समुचित सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए गणना में लिया जाएगा। अर्थात जितनी भी काडर स्ट्रेंथ में वैकेंसीज हैं उसका 4%, उसमें से 4% की गणना की जाएगी आरक्षण को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन वो जो 34 में भी था कि पदोन्नति से भरे जाने वाली जो वैकेंसीज है उसमें आरक्षण जो समय पर सरकारें आदेश निर्गत करेंगी, समुचित सरकारें अर्थात केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उसके आधार पर संगणना होगी या कंप्यूटेशन होगा। इस नियम 11 का, तो नियम 11 का उपनियम 1 क्या कह रहा है, वो तो उसी बात को दोहराता है सेक्शन 34 की कि 4% की संगणना कंप्यूटेशन काडर में, प्रत्येक काडर में अर्थात प्रत्येक समूह के काडर में जितनी भी रिक्तियां हैं उसके विरुद्ध 4% की संगणना करनी होगी। उपनियम 2 क्या कहता है कि प्रत्येक जो प्रतिष्ठान है, सरकारी प्रतिष्ठापन है, प्रतिष्ठान है, उसके लिए काडर संख्या में रिक्तियों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा समय पर जारी
अन्य देशों के अनुसार एक रिक्ति आधारित रोस्टर रखा जाएगा। अर्थात कंप्यूटेशन को सुनिश्चित करने के लिए, सही गणना को सुनिश्चित करने के लिए, आरक्षण की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, मैंने कल आपको बताया था वैकेंसी बेस्ड रिक्ति आधारित रोस्टर बनेगा, जबकि एससी एसटी ओबीसी के लिए पद आधारित रोस्टर है। यहां रिक्ति आधारित रोस्टर है, वो भी काडर में। उपनियम 3 विज्ञापन के संबंध में बताता है कि जो रिक्तियों को भरने के लिए समय समय पर प्रत्येक सरकारी स्थापन द्वारा विज्ञापन जारी किए जाएंगे तो प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के साथ साथ उपबंध 34 के अनुसार बेंचवार्क दिव्यांगजनों को उपदर्शित करेगा करना होगा। मतलब आपने मान लीजिए 4% का आरक्षण तो आपने दे दिया, 100 रिक्तियां आपने एडवर्टाइज की ग्रुप ए की, उसमें आपने कह दिया 4। जल्द अधिकतर विज्ञापनों में हम देखते हैं आजकल कि उन्होंने कह दिया कि नियमानुसार दिव्यांगजनों को आरक्षण मिलेगा, या 4% आरक्षण पीएच को मिलेगा या दिव्यांगजनों को मिलेगा। ये गलत है। इसके अनुसार ये है कि आप ये 4 नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा कि एक रिक्ति या एक पद दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित है, एक पद वधिर हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए आरक्षित है, एक पद लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए आरक्षित है, एक पद क्लॉज डी और ई में जो दिव्यांगताएं आती हैं उसके लिए आरक्षित है। अर्थात आरक्षण जनरल नहीं आप अनाउंस करेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, कैटेगरी वाइज आरक्षण की रिक्तियों का आरक्षण आपको अनाउंस करना पड़ेगा, समूह वार और कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी। उपनियम 4 जो हमारा आरक्षण है उसके नेचर को स्पष्ट करता है, जो हमने हमारा आरक्षण क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल। कल मैंने आप लोगों को इसका भी अंतर समझाया था। दूसरा प्रकार का आरक्षण जो एससी एसटी ओबीसी का है वो क्या कहलाता है, वर्टिकल। और हमारा महिलाओं का जो कास्ट बेस नहीं है उसको हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहते हैं। तो हमारा जो आरक्षण है वो क्षैतिज होगा ये नियम कहता है, और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं उनको पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा। ये जो कल बलवीर भाई ने सवाल पूछा था उत्तराखंड में, और जो उत्तराखंड में अभी कंफ्यूजन है, उसका जवाब है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक पद दृष्टिबाधित एससी के लिए, ना, आपको बोलना होगा एक पद दृष्टिबाधित के लिए। अब उसमें सभी पात्र हैं, चाहे वो एससी हो दृष्टिबाधित, एसटी हो, ओबीसी हो या अनारक्षित श्रेणी का हो, वो सभी पात्र हैं। आरक्षण के बाद तय होगा कि सिलेक्शन के बाद, चयन के बाद तय होगा वो जिस चयनित व्यक्ति जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उस कैटेगरी के अगेंस्ट उसके रोस्टर में उसको फाइनली प्लेस किया जाएगा। लेकिन चयन से पहले आप ये कह नहीं सकते कि पात्र केवल दृष्टिबाधित, अगर आपने रिजर्व कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये केवल दृष्टिबाधित एससी के लिए रिजर्व है या दृष्टिबाधित अनारक्षित श्रेणी के लोगों के लिए। तो ये तो
नियम 11 है। नियम 11 में क्या बड़ी मोटी बातें कही कि कैडर वाइज, समूह वार रिक्तियों की, संपूर्ण रिक्तियों के विरुद्ध संगणना 4% की होगी। दूसरी बात, इस हेतु रिक्ति आधारित रोस्टर, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होगा। तीसरी बात, जो विज्ञापन जारी किया जाएगा रिक्तियों को भरने के लिए, उसमें आपको दिव्यांग, प्रत्येक दिव्यांगता के लिए रिक्त पदों, आरक्षित पदों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। ये जनरल नहीं आप कह सकते कि 3%, 4% या 4 पद दिव्यांगजनों के लिए, ना, वो गलत है, जो आजकल कई विज्ञापनों में देखने को मिलता है। और चौथी बात ये कही गई कि हमारा जो आरक्षण है वो क्षैतिज है और इसलिए हॉरिजॉन्टल है, और इसलिए इसका एक पृथक वर्ग के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। और उसको जो बात मैंने कही कि कास्ट से जोड़कर या कैटेगरी से जोड़कर नहीं रखा जाएगा, दृष्टिबाधित SC नहीं कह सकते आप, दृष्टिबाधित ST के लिए नहीं रिजर्व कर सकते। दृष्टिबाधित के लिए है, उसमें कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, दृष्टिबाधित SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है, अनारक्षित भी हो सकता है, जो मेरिट में होगा उसका चयन होगा, चाहे किसी भी श्रेणी का। नियम 12 वो इंटरचेंज एक्सचेंज की बात करता है। आपने सेक्शन 34 में और पुराने एक्ट में सेक्शन 36 में कैरी फॉरवर्ड का नियम और इंटरचेंज का प्रावधान देखा कि अगर किसी भर्ती वर्ष में किसी श्रेणी की दिव्यांगता के लिए आरक्षित पद किसी भी कारण से भरा ना जा सका, कारण ये भी हो सकता है कि कोई योग्य उम्मीदवार ना मिले या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होती है। और 2 बार कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगर फिर भी ना भरी जा सके उस श्रेणी की विकलांगता से, दिव्यांगता से, तो पहले इंटरचेंज होगा दूसरी डिसेबिलिटी के साथ, अगर वो भी संभव ना हो तभी वो अनरिजर्व की जाएगी या नॉन डिसेबल्ड हो जाएगी। तो इस नियम में ये कहा गया है कि ये इंटरचेंज केवल तब होगा जब भर्ती की सम्यक प्रक्रिया, जैसे बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने का अनुसरण किया जाए गया हो, और भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात कोई समुचित अभ्यर्थी नहीं पाया गया हो। कहने का मतलब ये है, जनरली क्या देखा जाता था कि अब बिना एडवर्टाइज किए, बिना सिलेक्शन प्रोसेस को अंडरटेक किए किसी का आरक्षण किसी को दे दिया जाता था। इसमें दृष्टिबाधितों को शुरू में बहुत नुकसान हुआ जब तक बहुत सक्रियता से एडवोकेसी नहीं की गई, तो ये संभव नहीं है। और इसी पर रोक लगाई गई कि जब ये इंटरचेंज का प्रिंसिपल तभी लागू होगा जब आपने विज्ञापन में, मान लीजिए 2020 में एक विज्ञापन आया, उसमें 2 पद दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित घोषित हुए, और उस 2020 के सिलेक्शन प्रोसेस में एक ही दृष्टिबाधित चयनित हुआ, तो जो 1 पद बचा रहा उसको अगले साल अगली भर्ती में, वो चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, उसको एक फॉरवर्ड करना होगा। और वो जब कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी अगर नहीं भरा जा सकता सिलेक्शन प्रोसेस के बाद भी, विज्ञप्त होने के बाद भी, तभी इंटरचेंज की बात होगी। अभी इसी को उलट करके देखें कि अगर कोई
चाहे नियोक्ता नियोक्ता कि हम 2020 में ही जो दो पद हैं दृष्टिबाधितों के वो लोकोमोटर को दे दें और उनका आरक्षण उस दो वैकेंसी से बढ़ा दें बिना सिलेक्शन प्रोसेस बिना विज्ञापन के पहले बिना सिलेक्शन प्रोसेस को दृष्टिबाधितों के लिए किए वो संभव नहीं है वो नियम 12 में वर्जित है। नियम 13 ये स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से को जो विवरण देने हैं उससे संबंधित है और इसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक सरकारी स्थापन अर्थात एस्टेब्लिशमेंट जो लोकल लेवल पे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो इसमें एक प्रारूप एक है इस नियमों में उसके अंतर्गत अपनी पूरी विवरण दिव्यांग जनों हेतु नियोक्ता विवरणी जो है प्रारूप एक उसमें सारे विवरणी देगा और यह विवरणी प्रत्येक 6 माह में 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए एक बार तथा प्रारूप 2 में प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना होगा। मैंने जैसा कहा था कि आजकल स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सेलेक्शन या भर्ती प्रक्रिया से खास मतलब रह नहीं गया है। हाँ, आंकड़ों की दृष्टि से इसका महत्व है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के संबंध में एलिजिबिलिटी के लिए इसका महत्व है लेकिन सेलेक्शन प्रोसेस में खास इसका महत्व नहीं है। आंकड़ों की दृष्टि से सरकार को यह आकलन करने का मौका जरूर मिलता है कि अगर आप की आज की स्थिति क्या है बेरोजगारी की तो इस दृष्टि से ही महत्व रह गया है लेकिन वास्तव में आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन में इसका कोई खास महत्व नहीं है। इसका उपनियम 2 जो है वो फिर वही बात दोहराता है कि 30 सितंबर और 31 मार्च तक विवरण देना होगा और द्वैवार्षिक विवरणी को प्रत्येक एकांतर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के अंदर भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा। इसमें भी 30 दिन का समय है पहले वाले में भी और 14 जो नियम है वो उस अभिलेख या रजिस्टर से संबंधित है जो एम्प्लॉयर द्वारा वो रजिस्टर मेंटेन करना होगा। प्रत्येक जो सरकारी स्थापन है गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट वो जो इसमें नियोक्ता प्रारूप 3 है इस नियमों में उसमें उसके अंदर पूर्ण विवरण रखेगा दिव्यांग कर्मचारियों के अभिलेख रखेगा उसमें उनका पूरा रिकॉर्ड रखेगा। तो ये आपका इससे संबंधित नियम यहाँ समाप्त होते हैं। तो मूल रूप से आरक्षण के संबंध में हमको यही समझना है कि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर है दूसरों का पोस्ट बेस्ड रोस्टर है हमें 4% पूरे हर समूह के पूरी कार्डर स्ट्रेंथ में मिलना है और जिसमें से 1% चारों श्रेणियों की दिव्यांगताओं में बराबर से बटेगा। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिव्यांगतावार
और रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लिखित करनी होगी। जनरल रिजर्वेशन की बात नहीं की जा सकती, वो इन नियमों का उल्लंघन है। वैकेंसी बेस्ड और पोस्ट बेस्ड रोस्टर का अंतर मैंने आपको समझाया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का अंतर समझाया, हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब मुझे लगता है कि आज इंग्लिश में उसको आज लेकिन स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे कि आज खत्म नहीं हो सकता, तो कल पूरा इंग्लिश में ही अकेले इस प्रावधान को और नियम को, संबंधित नियमों को कल हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अंग्रेजी इसी नियम पर इस प्रावधान पर सेक्शन 34 और नियम 11, 12, 13 पर कल चर्चा करेंगे इंग्लिश में। अब आप 5 मिनट के लिए अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन नहीं, मुझे लगता है कोई प्रश्न है नहीं और आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। प्रयास यही था कि जितना सरल करके समझाया जा सके इस टेक्निकल इशू को, उतना सरल किया जाए। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा, कल फिर सेक्शन 34 और इससे संबंधित नियम 11, 12, 13 पर चर्चा इंग्लिश में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। I thank you all for your indulgence today. Goodbye till tomorrow. We will continue our discussion in English on section 34 and related rules tomorrow. Thank you very much.